इंदौर में कांग्रेसियों की कुरान की कसम खिलाने को लेकर एमपी के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धर्म निरपेक्षता का चोला ना ओढ़े, राजनीति में पवित्र ग्रंथ को नहीं लाना चाहिए। इसके साथ ही मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि मुसलमानों ने कांग्रेस महज वोट बैंक बनाकर न रखे, जबकि लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं और वो वोट के लिए कसम खिला रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कांग्रेस से कि धर्म निरपेक्षता का चोला न पहने। अब कुरान जैसे धार्मिक और पवित्र ग्रंथ को भी वोटों के लिए ले आए हैं। इन्होंने देश के मुसलमान को सिर्फ वोटर बना दिया, इंसान रहने नहीं दिया। कुछ दिन बाद वेटिंगटन सिटी से पोप को ले आएंगे, ये किसी को भी ले आए, चाहे धार्मिक ग्रंथ कुरान को ले आए पवित्र को या पोप को ले आए। लोग भाग रहे हैं छोड़ छोड़ के, रोकने के लिए कसमें खिला रहे हैं, वोटों के लिए कसमें खिला रहे हैं। ऐसी ताकत से कोई नहीं बचा सकता इसे।